इसी के साथ रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज फिर पहुंचेंगे दिल्ली 1:45 पर। मुख्यमंत्री धामी दिल्ली पहुंचेंगे 2:40 पर। सीएम धामी जाएंगे उत्तराखंड सदन। सीएम केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात। उत्तराखंड सदन में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज फिर दिल्ली पहुंचेंगे 1:45 पर। जो है दिल्ली वो पहुंच जाएंगे, कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने की भी जो बातें सामने आ रही है, और उत्तराखंड सदन में आएंगे फिर वहीं पे ही विश्राम करेंगे। बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज। इसी के साथ इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ देहरादून से हमारे ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, आज फिर से जो है मुख्यमंत्री का दिल्ली का दौरा है। अभी हमने देखा कुछ दिनों पहले ही दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर लगातार दौरे हुए थे, और आज फिर उनका दौरा है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, अभी अगर पुष्कर सिंह धामी की बात करें, आज फिर उनका जो है दिल्ली दौरा है। लगभग 1:45 के करीब वो दिल्ली पहुंच जाएंगे, और लगभग 2:30 के करीब जो है वो वहां पे जो उत्तराखंड सदन है वहां पे पहुंचेंगे, और प्रयास लगाए जा रहे हैं कि जो कैबिनेट मंत्रियों से जो है मुलाकात करेंगे। और जिस तरीके से कि अगर कल जो है यहाँ पे आलाधिकारियों की बैठक हुई थी एमसीडी चुनाव को लेके, और जो सॉरी नगर निगम चुनाव को लेके, और जो लोकसभा चुनाव है, पंचायत चुनाव है, इन तमाम चीजों को लेके यहाँ पे जो है दिशा निर्देश जारी किए गए थे, और कैबिनेट मंत्रियों से वो वहाँ दिल्ली मुलाकात करेंगे। हो सकता है जो लोकसभा चुनाव आ रहा है उससे कहीं ना कहीं जो है कोई बैठक की बात हो, कोई दिशा निर्देश की बात हो, ये रणनीति तय करने की बात हो सकती है। जी बिल्कुल, हमने भी ये चीज देखी कि पूरी ताकत लगा दी थी भाजपा ने, और भाजपा के कई बड़े नेताओं ने, जिसमें पुष्कर सिंह धामी का नाम भी शुमार होता है, उन्होंने भी लगातार दौरे किए थे। तो कहीं ना कहीं कहा यह जा सकता है कि कमियों को लेकर आज चर्चा की जाएगी कि कहां कमी रह गई जो एमसीडी में भाजपा अपनी सरकार नहीं बना पाई। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर एमसीडी की बात करें, हिमाचल की बात करें, लगातार जो है सारे जितने भी नेता थे भाजपा के पूरी ताकत उन्होंने लगा रखी थी, और हालांकि जो है दोनों ही चुनाव जो है वो बीजेपी हार चुकी है, उसको लेके कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो रणनीति की बात हो कि कयास लगाए जा रहे थे कि भाई जिस तरीके से यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी का जो एक छवि थी जो युवक के रूप में, और लोग जो है उनको विकास कार्य को उत्तराखंड में पसंद कर रहे थे, तमाम चीजों को लेके, अब जिस तरीके से अगर एमसीडी के जो है नतीजे आए हैं, क्लीन स्वीप हुआ है हिमाचल में, क्लीन स्वीप, ये तमाम चीजों को लेके हो सकता है कोई नई नीति जो है केंद्र सरकार बनाए, और उसमें जो है कहीं ना कहीं दिशा निर्देश जारी करे, और किस तरीके की से यहाँ पे लोगों को जो है वोटर की उसमें तब्दील किया जाए, ये तमाम चीजों पे जो है हो सकता है कहीं चर्चा हो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर उत्तराखंड से हमने आपको दी, जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा है 1:45 पर। मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंच जाएंगे।